जनता का बजट जन जन तक कार्यशाला। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ में हैं ओएसडी लोकेश शर्मा और उनके स्वागत के लिए तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब मुख्यमंत्री उनके बीच में मौजूद होंगे। जनता का बजट जन जन तक ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है जयपुर के बिरला सभागार में। जन जन तक पहुंचे बजट घोषणाओं का लाभ, ये मुख्य उद्देश्य है और सीएस उषा शर्मा समेत कई अधिकारी इस दौरान यहां पर मौजूद हैं। तो अपने आप में बेहद खास, क्योंकि जिस तरीके से बजट घोषित किया गया था उसके बाद आभार जताने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हर वर्ग के लोगों ने मुखिया को आभार व्यक्त किया, धन्यवाद व्यक्त किया और ऐसे में जन जन तक बजट घोषणाओं का लाभ पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बजट घोषणाओं की जानकारी नहीं होती, उन योजनाओं का मतलब पता नहीं होता, आखिर वो योजनाओं का लाभ कैसे लें। इसी सिलसिले में इस कार्यशाला को रखा गया है, इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। बजट घोषणाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, ये मुख्य उद्देश्य। सीएस उषा शर्मा समेत कई अधिकारी इस दौरान मौजूद हैं और ये मंच सजकर तैयार है। पीछे की तस्वीर जब आप देखेंगे तो बजट घोषणाओं के साथ जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला ये बकायदा वहां पर रखा गया है। दोनों तरफ जनता का बजट जन जन तक, क्योंकि यही मोटो है, यही उद्देश्य है और इसी को भी यहां पर चरितार्थ किया जा रहा है। जनता का बजट जन जन तक, जाहिर सी बात है जनता का बजट है, जनता से जुड़ा हुआ है और उसका लाभ भी जनता को ही मिलना चाहिए। लेकिन अभाव योजनाओं का, आखिर वो योजनाओं का लाभ कैसे ले, ऐसे में ये जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। लेकिन फिलहाल आगे किस तरीके से इस कार्यशाला को तैयार किया गया, क्या रूपरेखा है, किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है, ये जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश, जनता का बजट जनता तक ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि जनता को योजनाओं का इतना ज्यादा जानकारी नहीं होती और अभाव के कारण वो लाभ नहीं उठा पाते। बेहद ये खास कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, आगे क्या कुछ खास रहने वाला है? सभागार में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो बजट घोषणाएं हैं गहलोत सरकार की, उनके लाभ को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न जो विभागों की जो बजट घोषणाएं हैं उनका पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया है। सुबह से विभिन्न तत्व चले हैं और कौन कौन सी बजट घोषणाएं पूरी हो चुकी है और साथ में उन बजट घोषणाओं से जनता को किस तरह से लाभ दिया गया है और जनता इनका किस तरह से लाभ उठा सकती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज दिन भर यहाँ पे चर्चा हुई है, जो डिस्कशन यहाँ पे हुए हैं और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुंचे हैं, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है और जिस तरह से उनका बार बार यही कहना था कि ये जो बजट है ये जनता का बजट है और इसको जन जन तक पहुंचाना है और इसके पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो जनप्रतिनिधियों की भी है, तमाम जो गैर सरकारी जो संगठन है उनकी भी है। इसी कारण से इस कार्यक्रम में तमाम जो एनजीओ है, जो प्रदेश में प्रमुख एनजीओ है, उनको यहाँ पे बुलाया गया है और उनके माध्यम से जो बजट घोषणाएं हैं और उनका लाभ जन जन तक पहुंचे, एक इस तरह का एक मैकेनिज्म तैयार हो, इसी प्रयास में कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ बिरला सभागार में विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि मौजूद है, जनप्रतिनिधि मौजूद है, वरिष्ठ जो अफसर है विभिन्न विभागों के वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी यहाँ पे आए हैं। तो अभी किसी देर में मुख्यमंत्री जो है वो मुख्य मंच पे पहुंचेंगे, यहाँ पे जिला सभागार में लोग हैं, उनको सुनने का इंतजार कर रहे हैं और साथ में फोकस इसी बात को लेके रहेगा कि जो सरकार ने बजट घोषणाएं की है उनको लाभ जो है वो लोगों को पहुंचे और जिसमें देखिए खुद जनता का भी सक्रिय होना जरूरी है, जनता को अपने अधिकारों के लिए जो है सजग रहना जरूरी है और किस तरह से जनता तक ये तमाम योजनाएं पहुंचाई जा सकती है, लोगों को कैसे इससे जोड़ा जा सके,
चौकी चाहे महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो और या औरत हो और हर अन्य जो विभिन्न वर्ग है वो गरीब है पिछड़े हैं जी, सभी वर्गों के लिए मुख्यमंत्री ने बजट में कौन से घोषणा की है। प्रकाश बात है नहीं केवल बजट घोषणाएं बल्कि अधिकांश में वित्तीय प्रतिज्ञा भी जारी की जा चुकी है और साथ में जो उनके लिए वित्तीय प्रतिज्ञा जारी हुई है तो इसका माना जाए कि बजट जो है उनको लेकर हो गया है। ऐसे में अभी योजनाओं की जानकारी हो, उनका लाभ लोगों तक पहुंचे, क्योंकि चाहे चिरंजीवी योजना हो या अन्य कई तरह की योजनाएं हैं तो सरकार ने घोषित की है, तो उनको लोगों तक जब तक उनका लाभ नहीं पहुंचेगा, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को जब तक लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक इन योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में चाहते हैं कि जो बजट योजनाएं आम लोगों से हुई है, जन जन के लिए हुई है, गरीब महिला के लिए हुई है, तो उनका लाभ उनको मिलना ही चाहिए और उस लाभ तक को पहुंचाने के लिए ये योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए बिल्कुल उद्देश्य है। बेहद खास है नरेश, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, जानना चाहेंगे कि यहाँ पर फिलहाल कौन कौन से अन्य अधिकारी, कौन कौन अन्य नेता दिग्गज यहाँ पर जुटे हुए हैं इस कार्यक्रम में। जी नरेश, चलिए अपने सहयोगी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आपको बिरला ऑडिटोरियम से दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। बेहद एक खास कार्यक्रम, क्योंकि जनता के बजट को जनता तक पहुंचाना है, तो इसीलिए ये कार्यक्रम बेहद खास है। बजट घोषणाओं का लाभ उन जनता तक मिल पाए जिन्हें योजनाओं के अभाव के कारण लाभ नहीं मिल पाता। फिलहाल ये तस्वीरें आपको सीधी वहीं से दिखा रहे हैं।